किलोमीटर 15 देश 5 महीने। आपको किसी के पर्सनल गैराज में भूसा भी मिलेगी और भूसा क्लीनर भी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, मज़े उठा रहे हो गए गर्मी के। और आज हम थोड़ा सा रोक करने निकले हैं। रोक करने क्या काम है और वो क्या काम है वो आपको पता लगेगा थोड़ी सी देर में। चलो इसी नोट पे करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अपने दीपक सर हैं उनके पास। क्या करने जा रहे हैं वो वहीं जाके पता लगेगा आपको भाई क्या करने जा रहे हैं। उसमें ऑन ट्रेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है वो। अगर भाई कोई परिचय दिया जाए उनका, कहीं पे भी सर्च करोगे या कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएगा उनका नाम। और चलते हैं और कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो चलते चलते के। डिसिप्लिन से ही चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके हाथ में आ जाएगा मोटे वाला। बड़े मोटे चलान काट रहे हैं आजकल, सुपर बाइक, कार, मतलब लंबे चौड़े। सुपर बाइक दिख जाए ना तो उनके लिए ये समझ लो हाँ भाई दाना पानी आ गया। मतलब एक बोलते हैं ना गुड मैन, अंदर से फीलिंग आती है इनके पास बैठे रहो बात करते रहो और कोई काम ही नहीं है। सिर्फ हमें 4 घंटे के आसपास हो गए, मैं सुबह आया था और तभी से हम बात कर रहे हैं, कभी इधर की कभी उधर की। वाकई में यार एक माउंटेन मैन मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना इतने अच्छे हैं भाई हर चीज़ को, मतलब एक अच्छे से समझा। हमने चाय वगैरह पी ली आज सर से, है ना, इतने दिन से बात होती थी हमारी, काफ़ी मुलाकात, पहली बार मुलाकात हुई ना। नेचुरल मैन, बहुत ही फर्स्ट क्लास मैन है। एक जो माउंटेन मैन है ना वो रियल में ये माउंटेन मैन है, दिल से भी माउंटेन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं इनको यही बता रहा था कि ले जा रहे हैं तो अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, पहली बार ले जाएंगे, ऑक्सीजन का ज़रूर ध्यान रखें, उछल कूद ना करें पहले दिन ले में, एक दिन जरा रेस्ट लेके उसके बाद जाएं और पानी जरूर पीते रहें। ले का मंत्रा है हाइट्स का पी एंड पी, पानी पिए और यूरिन करें बस। थैंक यू, थैंक यू गाइस, बहुत ही बढ़िया लगा। मैं 2 घंटे हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम बैठ के बातें करते रहे। जो मैं चीज़ लेके आया हूँ वो इनको स्पेशली दिखाई है, वो भी आपको बाद में पता लगेगा, अभी आपको पता नहीं लगेगा, आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा। और इनकी है ना मैं कलेक्शन दिखाता हूँ, एक से एक जबरदस्त कलेक्शन है। अभी नीचे चलते हैं फिर कलेक्शन दिखाऊंगा। जो कलेक्शन है ना ये पीछे है, मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ कौन कौन सी कलेक्शन। ये सबसे पहले है, ये है डोमिनार, ये ट्रांस साइबेरियन ओडिसी करके आई है, 11 कंट्रीज। ये ट्रांस साइबेरियन ओडिसी 2017 में करके आई है ये बाइक, डोमिनार 2017। ये देख लो डोमिनार है, कौन ये कहते हैं ना डोमिनार अच्छी नहीं होती। ये मेरे गैराज में सबसे बेशुमार कीमती बाइक जो है वो ये है। ये डोमिनार 2018 मॉडल जो पोलार ओडिसी आर्कटिक टू अंटार्कटिका करके आई है, 51,000 किलोमीटर 15 देश 5 महीने और 2 कॉन्टिनेंट। और ये सीट देखो इतनी कंफर्टेबल बनवाई हुई ना, हद से ज्यादा कंफर्टेबल। और एक बैक जो बोलते हैं ना बैक रेस्ट भी हो जाता है इस पे थोड़ा सा, स्पाइन की सपोर्ट भी है। हाँ सो ये मेरी सबसे पहली सुपर बाइक थी,
जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750। ये सर की कलेक्शन है। और ये मेरी सेकंड सुपर बाइक थी, सुजुकी हायाबुसा 2008 मॉडल अनरेस्ट्रिक्टेड, जो कि 340 तक जाती है। आजकल नहीं आती हैं बाइक्स, आजकल जो भी बाइक्स आती हैं वो रेगुलेटेड है, 299 क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्म्स हैं इंडिया के, बाइक 299 से ऊपर नहीं जा सकती। मेरी तीसरी सुपर बाइक थी ये क्या की ZX14R। ये देश में इकलौती बाइक है, क्यों, ये लिमिटेड एडिशन बाइक है, दुबई से खुद इंपोर्ट करी हुई। ओके, ये देखो ZX14R 1400 इंडिया की इकलौती बाइक। सो ये है, इसको बूसा किलर भी कहा जाता है। बूसा किलर, क्या मस्त, मैंने पहली बार देखी है। बहुत कम होगा आपको किसी के पर्सनल गैराज में बूसा भी मिलेगी और बूसा किलर भी मिलेगी। ये देखो बड़ी एकदम, ये देखो क्या खजाना बोलते हैं ना, कीमती खजाना ये है। फिर ये मेरी सबसे कीमती, मेरे दिल के बहुत अजीज, ये मेरी 2009 रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, और ये करीब 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इंजन का कोई काम नहीं हुआ है, क्लच प्लेट जरूर एक बार बदली है और आज भी एक किक स्टार्ट एक है, किक हाफ किक, पूरा हिंदुस्तान सफर तय कर चुकी है। आवाज मैंने इनको सुनाई थी, हाँ। आप भी सुन लो, आप इज्जत रख लेना एक बाइक में, हाँ। एक किक में। ये देखो क्या बात है, और साउंड कितना प्यारा है, 50 की माइलेज देती है, 50 से ऊपर ही देगी, 50 की माइलेज है इसकी, 50 से ऊपर माइलेज है। और ये देख लो कितना पुराना मॉडल, कौन सा मॉडल है सर ये, 2009 मॉडल है, ये देखो क्या बात है, और एक खनखनाट है बिल्कुल। ये स्टिकर है आई राइड रिस्पॉन्सिबली, ये कैंपेन सितंबर में शुरू हुआ था, जिसमें राइडर को फ्लेज करना है, अपने लिए शपथ अपने आप से लेनी है कि मैं सड़क पर रिस्पॉन्सिबली चलूँगा, हेलमेट पहन के चलूँगा, प्रॉपर लेन में चलूँगा, स्पीड से नहीं चलूँगा, लाउड साइलेंसर नहीं लगाऊँगा, सड़क पर किसी और दूसरे रोड यूज़र की तकलीफ का कारण नहीं बनूँगा और लो बीम पे चलाऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है। हेलमेट पहनूँगा लेकिन हेलमेट को पहन के प्रॉपर स्ट्रैपिंग, टाइट स्ट्रैपिंग भी करूँगा, क्योंकि जनरली जब आदमी गिरता है तो सबसे पहले हेलमेट ही निकलता है और फिर सर पर चोट लगती है। तो ये स्टिकर आपके लिए है, और अगर ये आप स्टिकर लगा लेते हैं तो आप इसका पार्ट हैं और आप प्लेज करें अपने आप से कि मैं रिस्पॉन्सिबली चलूँगा। थैंक यू, ये स्टिकर है ना सर के हाथ से ही, मैं जहाँ पे भी आपको, ये देखो सर अपने हाथ से ही लगाएंगे, सर ने एक बड़ा गिफ्ट है, वो क्या बताऊँ, इन्होंने ये देखो अपने हाथ से ही, तो अब आप आई राइड रिस्पॉन्सिबिली के एम्बेसडर बन गए हैं, तो अब आपने बिल्कुल नियम से सारे कायदे फॉलो करते हुए ही सड़क पर बाइक चलानी है। बाइक के लिए है, और ये स्टिकर आप और बाइक के दूसरे सिरे पे या किसी और बाइक पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आप दूसरे बाइकर्स को भी एजुकेट कर सकते हैं और उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबली सड़क पे चलें, तो उनके लिए भी आप ये स्टिकर मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अभी हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आज सर से आगे है ना, एक जैसे माँ बाप को के पास आके सुकून मिलता है ना, वैसे सुकून मिला मेरे को बहुत ही। और गुरु जी ने ये देखो हमारी सेफ्टी के वो दे दिए भाई, गुरु दक्षिणा बिल्कुल। ठीक है सर, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। सच में यार आज मिलके है ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी मिली है ना भाई, मैंने बोलते हैं इतना गुड मैन मैंने नहीं देखा था, हद से ज़्यादा गुड मैन, हद से ज़्यादा, क्या मस्त
थी यार, जो आज मुलाकात हुई ना बहुत ही मस्त वो थी यार। मन क्या गार्डन गार्डन हो गया मन तो। मज़ा आ गया, मज़ा मज़ा।